तो यो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि यार आप सभी लोग गाइस यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे और भाई मज़े कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ यार मैं आप सभी लोगों का हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर दोस्तों। तो अपना इंडियन टाटा ट्रक दोस्तों वापस आ चुका है, ठीक है ना? और आज के इस वीडियो में गाइस मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, हम जो है जा रहे हैं यहाँ से मुझे इस पेट्रोल पंप तक जाना है, ठीक है? यहाँ पर एक शहर है छोटा सा, ठीक है? तो गाइस हम जो है यहाँ पर जाएंगे और 122 किलोमीटर कुछ का ये जो सफ़र होने वाला है, ज़्यादा मोड़ माड़ इस सफ़र में नहीं है, उसके आगे भी थोड़ा सा जाना है, वहाँ पर भी देखेंगे, ठीक है ना दोस्तों? तो आज काफ़ी अच्छा प्यार भरा है सफ़र होगा, तो चलिए देखते हैं कितना ज़्यादा प्यार भरा दोस्तों हमारे जो सफ़र रहता है। चलिए 3, 2, 1। काफ़ी ज़्यादा लंबा जाम लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा लंबा जाम लगा हुआ है। अभी ना मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मुझे जो अपने आप को यहाँ पर पहले एडजस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, पूरा का पूरा फील्ड ऑफ व्यू दिखना चाहिए। चलो अब सही है ना, बिल्कुल फ्रेम सही है दोस्तों, अपना फ्रेम बिल्कुल ज़्यादा सही है। अब मुझे ज़रा एक बार बाहर देखना पड़ेगा। अच्छा तो मेरा ट्रक बीच में खड़ा है। ओके, बिना स्टार्ट करे ही रुक जाओ। थर्ड गियर में उठा, थर्ड में उठे या फिर कोई समय उठे फिर तो। अब भाई रुक जा, कार वाले भैया तेरी, इधर ही बस वाला आ रहा है, बस वाले रुक जाइए तेरी। एक तो यहाँ उठाने के लिए, टाटा के ट्रक्स को उठाने के लिए एकदम, तो यहाँ पर हैंड ब्रेक का भी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। वे चले, अगर देखा जाए ना यहाँ जाम बहुत तगड़ा लगता है। देखना जरा मैं किधर आकर खड़ा हुआ। वैसे वो था कुछ नहीं, मुश्किल कुछ नहीं है, निकल जाता है जो बात है। एक होता है ना कि भैया बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, हो जाता है। क्या बात है, मस्त मजा आता है टाटा के ट्रक्स को ना। पर एक बात है भाई, इन ट्रकों को ना आराम आराम से चलाने में इन मजा है, ज्यादा तेजी से नहीं, क्योंकि ज्यादा तेजी से ना काफी ज्यादा हाइपर्स हो जाते हैं। तो देखना कितनी प्यार से ड्राइव कर रहा हूं मैं इसे। आप सभी लोग ये चीज भी एक बार नोटिस करना। अमीन आप लोकेशन देखो किस टाइप का, जो लोकेशन पे जो चल रहा है ट्रक, पर फिर भी मैं कितने प्यार से मोहब्बत के साथ इसे जो ड्राइव कर रहा हूँ दोस्तों ट्रक को। आप ये भी देखो, आई मीन रोड देखो कैसा है, देख पा रहे हो दोस्तों रोड कैसा है, बट फिर भी तुम्हारे भाई की ड्राइविंग देखो बिल्कुल एकदम सुपीरियर। सब चल रहे हैं अपनी ट्रक के साथ, हो गई क्या दिक्कत? क्या हुआ
चाचा जी क्या हुआ? अरे बाहर निकल के देखना पड़ेगा दोस्तों। रुक 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 गाड़ी वाले, तो रुक तो जाओ, पापा पापा कर रहे हो, यहाँ दिख नहीं रहा तुम्हें, ट्रक चढ़ नहीं रहा मेरा। चल चल मेरे धनो, चल चल चल, हजार चला दिया। देखो ट्रक के टायर तो घूम रहे हैं बट ना प्रॉपर पावर नहीं लग पा रही है। अब फिर ऐसा लगता है पीछे से आना पड़ेगा पावर के साथ, मैं पीछे ही कर लेता हूँ, वहाँ जाम लगा कर कोई फायदा नहीं है। आ जाओ गाड़ियों को आने दो, आओ लियो 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 सारे लियो। देखो दोस्तों जाम लगाकर यहाँ पर कोई फ़ायदा तो था नहीं, ना किसी का वो होता, ना किसी कोई जा ही ना पाता। हाईवे पे जाम लगा रहता है, यही तो बात है। अब देखना है जाऊँगा कैसे मैं, हैंड ब्रेक लगाकर छोड़ देता हूँ। आगे भाई जाम लगा ही रहेगा दोस्तों, रुक जाओ। फुल पावर के साथ चल बैठ, आया बड़ा तेरे बाप का रोड नहीं है। चल चल बे कार वाले, चल आगे चल 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 चल, रास्ता छोड़। आया बड़ा रास्ते में खड़े हैं कांटा बन के, चलो बे चलो। चल बे पोर्च वाले आगे निकाल इस पोर्च को, चल फटाफट निकाल फटाफट, बाप का रोड नहीं है तेरे, खड़ा यहाँ। वो पोर्श पाना मारे, फिर बोलते हैं पाना मारे क्या हो गया। मैं दोस्तों किसी की नहीं सुनने वाला, फिर रुक रख के कोई फायदा नहीं होता दोस्तों किसी के भी चक्कर में, ठीक है ना। रुक जैसे हटेगा तो है ही, अबे हट जा तेरी ऐसी जैसी भाई साहब। हट चल साइड, चल मैं बस वाले साइड हो। रुक जाओ दोस्तों, ये बस ही गलत हो गई, बस नहीं हटी कैसे। क्या आप सभी लोग इमेजिन कर सकते हो, इतना बड़ा वाहन तो चल दिया और बाकी छोटे छोटे वाहन भाई खड़े। तुम्हारी ऐसी कैसे क्यों, तुम्हें किसी के लिए
ना तो कोई मुझे खाने को दे रहा, ना कोई किसी चीज़ के लिए दे रहा। क्यों रुकूं मैं किसी के लिए दोस्तों? ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यार हम जो है यहाँ तक तो आ ही गए दोस्तों। इतना ज़्यादा यहाँ पर मुशक्क़त के बाद बहुत ज़्यादा पावर लगी, बहुत ज़्यादा सक्षम लगा, बट फाइनली वी आर हियर। वैसे मतलब ना इस टाइप के रोडों पे ना ट्रक थोड़ा मतलब आराम से ही चलाना चाहिए। ड्राइवर्स को तो अक्सर भाई यही बताया जाता है कि मतलब जितना आराम से चलाओगे उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद ही रहोगे। और ये टाटा का ये वाला ट्रक तो मैं देखो आराम से ही चलता है, लगा क्या? क्या हो गया? ठीक है रुक जाओ, मुझे लगता है मैं बहुत गलत मोड पे खड़ा हूँ। बाकी यार अपने ट्रक ना दोस्तों यार यहीं पर बार बार ही दोस्तों यहाँ पर जो है फंस रहा है। आप सभी लोग गाइज यहाँ पर देखिए कितने बुरे तरीके से गाइज अपना ट्रक जो गाइज यहाँ पर फंस कर बार बार जो है चल रहा है, ठीक है ना। चल दे धन्नो, बट बाकी मेरे यार आई होप कि यार आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लगी है तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में यहीं से आगे जो बढ़ेंगे और अब की बार मैं दूसरा ट्रक लेकर आने वाला हूँ। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इसने नहीं दी टाटा के इस वाले ट्रक ने, ठीक है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कि आप भी मेरी बात से सहमत हैं या फिर नहीं दोस्तों, या आपको ऐसा लगता था कि मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं? वो देखो गाड़ी बैक करने के चक्कर में कहाँ ले गया, वो देखो भाई साहब पर कार ले गाइज। मैं ना नेक्स्ट वीडियो में ये जो चीज़ सारी की सारी ना एक कार से कवर अप करूंगा। आपके इस बारे में क्या कहना है, मैं कार चलाऊं दोस्तों, क्या कहना है एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ फिर से लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।